आई पुलिस ते जदों कुछ लोगों ने हमला कर दिता तो SHO ने अपनी सरकारी रिवाल्वर चो फायर किते अते अपनी ते अपने साथियों की जान बचाई, पर किसी ने मौके ते वीडियो बना ली जो कि हुण सोशल मीडिया ते काफ़ी वायरल हो रही है। पहला तुसी ये तस्वीर देखो, फिर तुहानू दस दें कि आखिरकार पूरा मामला की है। मामला श्री मुक्तसर साहिब तो सामने है जिथे रेड करन लई पुलिस गई सी ते पुलिस ते लोग आमो सामने हो गए। जानकारी दिंदे हुए SHO नवप्रीत सिंह ने दसिया कि राकेश कुमार नाम दे व्यक्ति नू गड्डी सने रोकिया तां ओह ट्रैफिक दा फायदा चुकदे हुए फरार हो गया ते अपनी गड्डी ओथे ही छड्ड गया जिस दे विचों नशीली गोलियां मिलियां। जदों पुलिस नू पता लग्या कि राकेश कुमार किसे दे घर दे विच लुकिया हुआ है तां पुलिस उस नूं गिरफ्तार करन दे लई उत्थे रेड करन दे लई पहुंची सी, पर लोकां ने पुलिस ते हमला कर दिता ते अपने मुलाजमां दी जान बचाउण दे लई SHO ने फायर किते। SHO दा कहना है कि इस पूरे मामले दे विच मंदर सिंह, सतपाल सिंह, गुरबाज सिंह, जसप्रीत सिंह अते मंदर सिंह दी पत्नी तो इलावा 15 तो 20 अणपछातिया दे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्हां दे खिलाफ बनदी कानूनी कार्रवाई जिहड़ी उह कीती जाएगी। सर की वीडियो वायरल हो रही है जिसके पुलिस के नाल कुछ लोग धक्कामुक्की हो रहे हैं, गाली गलोच भी हो रहा है, कि मामला की सी है, तुसी भी उस वीडियो दे विच मौजूद हो जी। एक पुलिस पार्टी ASC बलदेव सिंह जिहड़े हैगे कोई रूटीन पुलिस वर्किंग दे विच जिहड़ा हैगा कोई समन नोट कराउण किते जा रहे सीगे, क्योंकि अपने सिटी एरिया दे विच भी राकेश कुमार उर्फ केशा कह दिंदे उहनूं, उहदे पहलां भी NDBS एक्ट दे तहत मुकदमे दर्ज आ। बिना नंबर ही गड्डी तो कितने जा रहा है तो साढ़े SI ने शक के बिना भी विदाउट नंबर प्लेट गड्डी कितने जा रहा, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो बाइक से मोटरसाइकिल से आपदे वो रुकया जो तो उ ट्रैफिक सी भीड़ सी, वो गड्डी तो निकल नहीं सकी तो उन्हें गड्डी छड़ के नाल ही नेड़े घर से कोई वो वड़ गया, वो उधर दी पिछे भज गया तो ASI बलदेव सिंह मौके पर कला होने करके पिछा नहीं कर सकया, जिदे ते उत्थे इतलाह दे उपर जिहड़ा हैगा केस रजिस्टर किया गया कोई 900 समथिंग कुछ टैबलेट सीगियां इंटॉक्सीकेटिंग जिहड़ियां हैगियां उहदे गड्डी विचों जिहड़ी हैगियां बरामद होईयां सीगियां उहदे नाल, जो मौके तो ये गड्डी छड्ड के भज गया सीगा। उस तो बाद जिहड़ा हैगा मीनवाइल सानूं इनफॉर्मेशन मिली कि जिहड़ा राकेश कुमार उर्फ केशा है भंगचड़ी दे किसी मंदिर नाम दे बंदे दे घर जिहड़ा हैगा इस टाइम भज के उत्थे लुक गया जाके। साड़ी एक अलग पुलिस पार्टी जिहदे विच मैं आप सीगा असीं उहदे एप्रीहेंड करन लई जिहड़ा हैगा उत्थे चले गए सीगे, उत्थे असी बंदा एप्रीहेंड करके बाहर लिया रहे सीगे ते वो जिस घर दे विच सीगा ते उसके आसे पास एक दो गुआंढी घर सीगे वो सारे ही नशा तस्करी दे विच लिप्त बंदे आ, पहला भी उन्होंने उपर NDBS एक्ट तहत थाना लखेवाली ते वख-वख थाने केस रजिस्टर उन्होंने उपर, उन्होंने मतलब बंदे नूं सानूं तो छुड़ाउण की कोशिश की भी तुसीं इहनूं लैके नहीं जा सकते ये वो, उत्थों असी बंदा कढ के ते असी बाहर निकले मौके ते फिर वो कट ज़्यादा हो गया सीगा हजूम दा, उत्थों असी फिर सेफली जिहड़ा हैगा बंदा कढ के बाहर निकले गए सी, जो साडी ड्यूटी दे विच विघन पाया सीगा उसदे बिहाफ दे उपर मेरी स्टेटमेंट पर थाना लखेवाली दे विच जिहड़ा हैगा कुछ बंदियां दे खिलाफ जिहड़ा हैगा केस रजिस्टर कर दिता गया, उहदी इन्वेस्टिगेशन जारी आ ते जिहड़ा साडा दोषी सीगा उसदे असी साडे केस जिहड़ा रजिस्टर होया सी उहदे विच अरैसट करके मानयोग अदालत विच पेश करके अगली इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। सर फायरिंग भी कीती गई सी तुहाडे वल्लों हजूम कदों होंदी की सी? मो पुलिस पार्टी दे विच बंदे चार ही जणे सीगे असीं ते हजूम काफ़ी सीगा ते बंदा छड़ा रहे सीगे साडे तो ते धक्कामुक्की हो रही सी काफ़ी उत्थे, बस असीं पुलिस पार्टी नूं ते आपदे दोषी नूं सेफ कढ़न वास्ते जिहड़े हैगे आ एयर स्ट्राइक्स कीतियां दो तीन, तो बाकी उत्थे किसी पुलिस पार्टी नूं सट वगैरह नहीं लगी बट अटैम्प्ट कीता उन्होंने काफ़ी सानूं मतलब करन लई ते
ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਆ ਅਤੇ ਬਟ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੋਰਨ ਦੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਲੱਕੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੇਫ ਨਿਕਲਾਈ ਵਿਦ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਲੱਖਿਆ ਲਈ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।